मैंने साल में 2 बार मतलब ना पड़ता है सर आगे। हेलो स्टूडेंट्स, यस यस सर। सर। हेलो यस सर। यस सर। गुड आफ्टरनून, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस यस सर। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ओके सर। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, देखिए प्रीवियस टॉपिक में हम वाइल्ड सिल्क की डिगमिंग देख चुके थे। ठीक है, तो पहले मलबरी सिल्क फिर वाइल्ड सिल्क। तो मलबरी सिल्क जैसे सिस्टमेटिक ढंग से जो सिल्क प्रोड्यूस होता है वो अपने, और जो बॉम्बेक्स मोरी से मिलता है वो मलबरी सिल्क है। बाकी वाइल्ड सिल्क, असर, एरी और मूगा, ये तीन वेराइटीज आती है। ठीक है, इसकी डिगमिंग तक हम देख चुके थे। हेलो राम, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? राम प्रताप, यस सर। ठीक है, बातें मत करो आपस में। ठीक है, नाउ आज का जो टॉपिक है वो है हमारे ब्लीचिंग। ठीक है, ब्लीचिंग ऑफ सिल्क। तो सिल्क की जो ब्लीचिंग है वो हम हाइड्रोजन परोक्साइड से करते हैं। हाइड्रोजन परोक्साइड क्या है? यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट है। ठीक है, और इसमें पर हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो यूज, पर हाइड्रोक्सिल आयन जो है, हर दिन हमने पुरलाया कर लसन लगाया। अरे गाने मत गाओ। कौन बोल रहा, कौन गा रहा है गाना? पर हाइड्रोक्सिल आयन जो है ब्लीचिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल स्पीसीज है इसमें। ठीक है, तो तसर, मूगा और एरी, ये जो सिल्क है बड़े टफ होते हैं और आमतौर पर सिंपली मलबरी सिल्क की तरह ये ब्लीच नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी ब्लीचिंग में थोड़ा टाइम बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर इसमें बढ़ा देते हैं, इनकी ब्लीचिंग आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो परोक्साइड ब्लीचिंग इसमें करते हैं। हाइड्रोजन परोक्साइड जो है वो इसमें लेते हैं और ये यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट है। ठीक है, और ये एसिडिक कंडीशंस में स्टेबल रहता है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ आपको क्लियरली सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, बीच में कहीं भी कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई बात समझ में नहीं है, आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका yes, जो है ब्लीचिंग रिएक्शन जो होती है वो इस तरह से होती है। आप देख रहे हैं ये वाली रिएक्शन? देख, यस सर। हाइड्रोजन परोक्साइड है, नेसेंट ऑक्सीजन क्रिएट होती है, साथ में ये पर हाइड्रोक्सिल आयन है। ठीक है, ये पर हाइड्रोक्सिल आयन ही ब्लीचिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो जो मेटेरियल होता है, मेटेरियल आफ्टर डिगमिंग इज एंटर्ड एट 40 डिग्री सेल्सियस इन ए बाथ। जो डिगमिंग का बात है उससे निकालने के बाद ब्लीचिंग बात में मटेरियल को एंटर करते हैं, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रखते हैं और हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो स्ट्रेंथ है वो 2 वॉल्यूम होती है। ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ मैं आपको बताऊंगा अभी, आप अभी देख लीजिए, 2 वॉल्यूम की स्ट्रेंथ होती है और साथ में इसमें सोडियम सिलिकेट 2 ग्राम पर लीटर इसमें एड करते हैं। ठीक है, सोडियम सिलिकेट का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? टेम्परेचर स्टेबलाइजर है। सोडियम सिलिकेट इज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर इन केस ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड ब्लीचिंग। क्लियर? हाँ स्टूडेंट्स, क्लियर? यस सर। यस सर। तो इसके बाद में मेटेरियल टू लिक्विड रेशियो 1:20 रखते हैं। राम प्रताप, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। ठीक है, मेटेरियल टू लिक्विड रेशियो किसे बोलते हैं जरा बताइए, डिफाइन करिए। प्लीज डिफाइन द मेटेरियल टू लिक्विड रेशियो।
अरे वाइल्ड यस ललित कुमार शर्मा आप डिफाइन करिए मटेरियल टू लिख कर छो हेलो आवाज आ रही है मेरी आर्यन आर्यन सेठिया यस सर मेरी आवाज आ रही है आप तक यस सर हाँ तो आप डिफाइन कर सकते हैं मटेरियल टू लिखकर रेशियो क्या होता है हाँ सर 1:30 होता है मतलब 1 kg सिल्क में 30 kg वाटर चाहिएगा अगर अपन एग्जांपल लेके देखे तो मटेरियल 1 kg है अपने पास सिल्क का तो 30 kg वाटर स्लैश लिकर अपने को रिक्वायर्ड होगा और 150 ग्राम सोप या 50 ग्राम सोडा ओके यहाँ पर 120 है ये दिख रहा है ऊपर ऊपर में क्रशर के पास यस सर 120 का 1:20 का मतलब क्या रहा सर 1 kg सिल्क के लिए 20 kg वाटर या अमोनिया लिकर रिक्वायर्ड होगा अमोनिया नहीं केवल वाटर भाई लिकर हाँ लिकर या अमोनिया वाटर ठीक है मतलब वाटर जिसमें जो वाटर है उसमें जो भी सॉल्यूशन मिला हुआ है टोटल लिकर जिसमें हम फैब्रिक को ट्रीट कर रहे हैं उसका अमाउंट फैब्रिक से 20 टाइम ज्यादा होना चाहिए यह है इसका मतलब ठीक है क्लियर यस सर ओके नाउ अब इसके बाद में अमोनिया इसमें मिलाते हैं 1 g/L मींस 1 लीटर में 1 g अमोनिया वो इसलिए देते हैं इसकी एल्कलाइन कंडीशन मेंटेन करने के लिए क्योंकि आप देखिए मटेरियल क्या है हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है हमारे पास हेलो रॉ मटेरियल सिल्क है ना तो सिल्क के लिए हम हाईली अल्कलाइन यूज नहीं ले सकते इसलिए अमोनिया काम लिया है ठीक है और इसमें जो पीएच है वो 10 से ज्यादा नहीं रखते हैं ठीक है और टेम्परेचर इसके लिए ग्रेजुअली रेज करते हुए 80-85 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं और 80 इस टेम्परेचर पर 1 hour तक या 1 घंटे तक इसको ट्रीट करते हैं ठीक है और उसके बाद में ठीक है और इसके बाद में ठीक है ये लाइन इसके बाद में मटेरियल को रिमूव करते हैं रिंसिंग करते हैं और उसके बाद में इसकी वॉश करते हैं पहले हॉट वॉश करते हैं उसके बाद कोल्ड वॉश करते हैं ठीक है उसके बाद मटेरियल को ड्राई कर लेते हैं ठीक नेक्स्ट है आपके ब्लीचिंग ऑफ वाइल्ड सिल्क ये आपके जो ब्लीचिंग थी ये आपके मलबरी सिल्क की ब्लीचिंग है वाइल्ड सिल्क की ब्लीचिंग में क्या होता है टेम्परेचर थोड़ा इसमें थोड़ा अलग टेम्परेचर लेते हैं इसमें नियर अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस लेकिन इसमें टाइम ज्यादा कर देते हैं ठीक है टाइम इसमें बढ़ा देते हैं ताकि लिकर का पेनिट्रेशन इसमें ज्यादा हो और साथ में जो केमिकल है वो आप देखिए सोडियम सिलिकेट ये 2-6 g/L लेते हैं हाइड्रोजन परोक्साइड जो है वो इसमें वही 2 volume का लेते हैं ठीक है हाइड्रोजन परोक्साइड ये 2 volume लेते हैं ठीक है और टेम्परेचर इसमें और इसमें हाइड्रोसल्फाइड भी इसमें ऐड लेते हैं हाइड्रोसल्फाइड जो है वो इसमें हेल्प करता है अपने अच्छे पेनिट्रेशन के लिए इसके बाद में फैब्रिक को ट्रीट करते हैं इसमें ये एरो का मार्क पाइए वॉश
ये वाशिंग ट्रीटमेंट है भाई, मेन ट्रीटमेंट ये वाला है, यहाँ से ये वाला, ठीक है, ये वाशिंग ट्रीटमेंट है हाइड्रोसल्फाइड का, जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर कुछ मिनट तक इसको हम वाश करते हैं, ठीक है। नाउ अब आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ को समझ लीजिए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, जिस तरह केमिकल्स की स्ट्रेंथ हम परसेंटेज में लेते हैं या वॉल्यूम में लेते हैं, इस तरह हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो स्ट्रेंथ है वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ में लेते हैं, ठीक है। और ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ एक्चुअली है क्या, आपके एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 ml हाइड्रोजन परऑक्साइड जितना ml ऑक्सीजन लिबरेट करता है या छोड़ता है, बनाता है, वही उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। क्लियर? हाँ गौरव, गौरव बोलिए, ये क्लियर हुआ आपको? सर एक बार फिर बता दो। हाँ सुनिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो स्ट्रेंथ है वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ में डिफाइन करते हैं। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, एक्चुअली एक एनटीपी पर या एचटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर या नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 ml हाइड्रोजन परऑक्साइड जितना ml ऑक्सीजन लिबरेट करता है या जितना ml ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करता है उसी को हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे वन वॉल्यूम का मतलब है कि एनटीपी पर 1 ml हाइड्रोजन परऑक्साइड 1 ml या 1 cc ऑक्सीजन क्रिएट कर रहा है। 10 वॉल्यूम का मतलब है एनटीपी पर हाइड्रोजन परऑक्साइड का सॉल्यूशन 10 cc ऑक्सीजन क्रिएट कर रहा है। और 130 का मतलब है एनटीपी पर या एचटीपी पर 1 ml हाइड्रोजन परऑक्साइड से 130 सीसी ऑक्सीजन यील्ड हो रही है। क्लियर? अब बोलिए भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, नाउ ये आपके क्लियर हो गया। अब इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम अगर इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ में रखते हैं तो 1 volume हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो होती है 0.304%, ठीक है। 1 volume हाइड्रोजन परऑक्साइड इक्वल्स टू 0.30% एंड सेम एज 10 volume इक्वल टू 3.04%। मार्केट में आमतौर पर 50% तक का सॉल्यूशन मिलता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 50% से कितना वॉल्यूम बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक आपके खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्टरी नॉलेज ऑफ मशीनरी यूज्ड इन स्कवरिंग एंड ब्लीचिंग ऑफ कॉटन फैब्रिक। तो इस हेडिंग में हम केवल स्कवरिंग और ब्लीचिंग ही नहीं लेंगे, क्योंकि कॉटन का पूरा जो ट्रीटमेंट है प्रोसेस हाउस में लास्ट डाइंग तक वो सारा इसमें हम लेंगे, ठीक है। तो ग्रे फैब्रिक जो लूम से आता है प्रोसेस हाउस में, सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट उसका शेयरिंग होता है। शेयरिंग, यू नो एनी स्टूडेंट शेयरिंग? निधि जैन आप बताइए। मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। आप बोलिए। शेयरिंग कभी पढ़ा है इसके बारे में? यस सर। बोलिए फिर। सर इसमें शार्प प्लेट्स होती है, जो इसमें रफ सरफेस होती है फैब्रिक की, फाइबर की, वो रिमूव हो जाती है। ओके, जब आपको आता है तो आपको तुरंत बताना चाहिए ना। तो एक्चुअली क्या है, शेयरिंग ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें
फैब्रिक पर से प्रोटेक्टिंग थ्रेड्स और यार्न वो रिमूव करते हैं, शेयरिंग से प्रोटेक्टिंग थ्रेड्स और यार्न वो रिमूव करते हैं, और इसके लिए हम एक शार्प ब्लेड काम लेते हैं। ब्लेड एक्चुअली ब्लेड नहीं होती, वो एक ड्रम होता है, आप देखिए इस तरह से, ये रोलर है, ठीक है, आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये रोलर है, ये रोलर फैब्रिक जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। तो फैब्रिक आपके नॉर्थ टू साउथ जा रहा है तो ये ड्रम साउथ टू नॉर्थ इस तरह से घूमेगा, और ये कपड़े के नीचे है, एक्चुअली आपको समझाने के लिए ये ऊपर की तरफ दिखाया गया है, और ये जो देख रहे हैं लाइंस, ये क्या है, शार्प ब्लेड है, ठीक है। जब रोलर घूमता है और कपड़ा उसके ऊपर से जा रहा है और जिस डायरेक्शन में फैब्रिक जा रहा है, फैब्रिक का डायरेक्शन ये है और रोलर का डायरेक्शन ये इस तरह से है, ठीक है। तो क्या होगा, फैब्रिक की जो सरफेस है वो, उस पर जो कोई भी प्रोटेक्टिंग थ्रेड्स होंगे, यार्न होंगे, और इवन कुछ बड़े फाइबर्स भी होंगे, वो सब कट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फैब्रिक को स्मूथनेस देने के लिए, और यार्न और थ्रेड के टुकड़ों से फ्री करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट प्रोसेस है ये हमारा, इसको हम शेयरिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है सिंजिंग। एक्चुअली सिंजिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और सिंजिंग प्रोसेस में हम कोई भी फैब्रिक का जो प्रोटेक्टिंग फाइबर्स है वो हम रिमूव करते हैं, और ये जो रिमूव करने के जो डिफरेंट मेथड्स, पहले आपके हॉट प्लेट मेथड होता था, या फिर हॉट ड्रम मेथड होता था, या हॉट रोलर मेथड, प्रेजेंटली ये दोनों में कोई भी काम नहीं आता है, प्रेजेंटली काम आता है आपके गैस सिंजिंग मेथड, ठीक है। तो गैस सिंजिंग जो मेथड है, इसमें क्या होता है, बर्निंग गैस के ऊपर से या फिर एक पाइप में से गैस निकलती, उस पाइप में पाइप एक्चुअली परफोरेटेड है, और उसमें से गैस, जिस तरह आपके गैस का चूल्हा होता है उस तरह गैस इसमें से निकलती है, और उसकी लो पे से, उसकी फ्लेम पे से फैब्रिक को पास किया जाता है। तो दोनों तरह की मशीन होती है, वन साइड अगर सिंजिंग करना है उसकी मशीन भी रहती है, दूसरे दोनों साइड में फैब्रिक को सिंजिंग करना है तो इसकी भी मशीन है। तो गैस सिंजिंग में होता क्या है, फैब्रिक को बर्निंग रोलर्स के ऊपर, बर्निंग गैस के ऊपर से पास किया जाता है, तो उसके प्रोटेक्टिंग फाइबर से वो बर्न आउट हो जाते हैं और फैब्रिक स्मूथ हो जाता है, ठीक है। और इसमें स्पीड जो है वो मिनिमम 90 मीटर पर मिनट रखते हैं, ताकि फैब्रिक, हमें फाइबर्स को जलाना है, प्रोटेक्टिंग फाइबर्स को, जो एक्स्ट्रा निकले हुए फाइबर्स हैं उनको जलाना है, फैब्रिक को नहीं जलाना है, इसलिए इसकी स्पीड है, मिनिमम स्पीड 90 मीटर पर मिनट रखी जाती है, क्लियर। यस सर, यस सर। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इसमें जो फ्लेम की जो लो है, लो का जो टेम्परेचर है, नियर अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और जब हम सिंजिंग करते हैं तो क्या होता है, क्लोथ इज अलाउड टू रन थ्रू द मशीन एंड देन द बर्नर्स आर इग्नाइट। देखिए ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। नंबर एट, तो सिंजिंग डिपार्टमेंट पूरी इंडस्ट्री में सबसे अलग रखा जाता है, मीन्स पूरी इंडस्ट्री का जो शेड होता है उस शेड में एक कोने में अलग से चारों तरफ दो तरफ दीवार खींच के, क्यों, दो दीवार तो शेड की होती है, और दो तरफ दीवार खींच के अलग से इसको बनाया जाता है, ताकि अगर यहाँ से कोई फ्लेम या कोई चिंगारी उड़ के, और अलग से जो डिपार्टमेंट है खाता है जहाँ दूसरी मशीनें लगी है वहां तक नहीं पहुंच सके, तो फायर हैजर्ड से बचने के लिए सिंजिंग डिपार्टमेंट को अलग से रखा जाता है, फर्स्ट तो है। और सेकंड, सिंजिंग शुरू करने से पहले फैब्रिक को हम मशीन पे रन करते हैं, ठीक है। कोई बता सकता है इसका रीजन,
गौरव गौरव बताए गौरव पायक यस सर हाँ बोलो क्या रीजन हो सकता है इसका बर्नर्स को ऑन करने से पहले फैब्रिक को रन करते हैं यस सर व्हाई कि वो मतलब सेपरेट हो जाए सर वो यार्न एक्स्ट्रा यार्न वगैरह सेपरेट नहीं होगा कोई और स्टूडेंट है कुमान सिंह कुमान सिंह मोहम्मद कासिम रन करता रहेगा तो जलेगा नहीं एग्जैक्टली राइट ठीक है तो एक्चुअली क्या है फैब्रिक को पहले रन करते हैं जब रनिंग कंडीशन में हो जाता है उसके बाद में हम सिंजिंग के जो बर्नर्स हैं मशीन के बर्नर्स हैं उनको हम ऑन करते हैं ठीक है अब और इसके अलावा जब सिंजिंग कंप्लीट हो जाती है और मशीन को रोकना है तो सबसे पहले हम बर्नर्स को ऑफ करेंगे बर्नर्स को ऑफ करने के बाद में फैब्रिक को हम फैब्रिक का जो रनिंग है उसको हम ऑफ करेंगे मीन्स फैब्रिक का चलना या फैब्रिक का रन होना तब रुकता है जब मशीन बंद हो जाती है ठीक है यह बात हमेशा ध्यान रखेंगे ये सिंजिंग मशीन का डायग्राम देखिए आप ठीक है ये फैब्रिक है ये ट्रॉलीज हैं जारा है ये डांसिंग रोल दीज आर गाइड रोल्स एंड देन इट इज गोज टू द फर्स्ट सिंजिंग बर्नर्स ये देखिए ये यहाँ पर जो शो हो रहा है आप डायग्राम में देखेंगे इस जगह पर ये सपोज करिए कोई फैब्रिक है जिसके दोनों तरफ में प्रोटूडिंग फाइबर्स निकले हुए हैं ठीक है अब इसके बाद में ये फैब्रिक रोलर से होते हुए जा रहा है तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है नीचे वाला पोर्शन कौन सा हुआ ये वाला नीचे वाले पोर्शन के फाइबर्स इसमें बर्न आउट हो गए हैं ठीक है नीचे वाले पोर्शन के इस साइड के फाइबर्स बर्न आउट हुए ऊपर साइड के इस साइड के ये बच रहे हैं तो इस साइड के फाइबर्स हैं ये इस जगह पर बर्न हुए हैं मीन्स फैब्रिक दोनों ही टाइम में मतलब अगर मान लीजिए फैब्रिक के दोनों फेस को हम फेस और बैक कहें तो ये बर्नर टू पर ये बैक साइड से सिंजिंग हो गया और बर्नर फर्स्ट पर ये फेस साइड से सिंजिंग हुआ है ठीक है ये क्लियर हुआ आपको सर दोनों एक साथ नहीं होते क्या बर्न नहीं दोनों एक साथ भी हो जाते हैं लेकिन इसकी सिंजिंग अच्छी हो इसके लिए हम दो बर्नर से गुजारते हैं फेस और बैक दोनों की अगर सिंजिंग करनी है तो हमें दो बर्नर से पास करना होगा ठीक है और इसके बाद में देखिए बर्नर से पास हुए अभी जितने भी रोल है ना ये फर्स्ट ये सेकंड ये दो रोल दोनों में बिल्कुल कोल्ड वाटर बहता रहता है ये दोनों में रीजन है ताकि प्रोटूडिंग फाइबर्स इन जो दोनों रोलर हैं इन रोलर के ऊपर चिपके नहीं ठीक है और इसके बाद में ये फैब्रिक को किंचिंग चैम्बर से पास करते हैं तो किंचिंग चैम्बर क्या होता है एक्चुअली पानी का टब होता है जिसके रोलर से ये पास हो जाता है अगर कोई चिंगारी फैब्रिक में रह गई है तो वो किंचिंग चैम्बर में बुझ जाती है ठीक है ये एक सिंजिंग मशीन का डायग्राम है इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए अच्छी तरह से समझ लीजिए समझ में आ गया ये सर क्या ये मशीन है क्या अपने कॉलेज में नहीं कॉलेज में नहीं है ये इंडस्ट्रीज में आपको मिल जाएगी
ठीक है ना। इंडस्ट्रियल विजिट अगर कभी करवाएंगे आपको तो वहां पर ये मशीन आपको दिखाएंगे, ठीक है सर। एक्स्ट्रा रिमूव हो जाते होंगे क्या? एक्स्ट्रा फाइबर रिमूव हो जाते हैं? हाँ, एक्स्ट्रा फाइबर फैब्रिक के ऊपर जो कोई भी छोटे फाइबर्स होते हैं, प्रोटेडिंग फाइबर्स, वो सभी इससे रिमूव हो जाते हैं, बल्कि बर्न आउट हो जाते हैं, ठीक है, कुछ भी बचता नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट। ये सिंजिंग आपके कंप्लीट हो गई, अब इसके बाद में नेक्स्ट है डिसाइजिंग प्रोसेस, ठीक है। ये वेट प्रोसेसिंग में हम इसको फर्स्ट वेट प्रोसेस बोल सकते हैं, डिसाइजिंग। डिसाइजिंग में क्या होता है, जैसे आपने देखा पहले मैंने बताया था साइजिंग, साइजिंग आपने देखा होगा। साइजिंग का मतलब क्या होता है, फैब्रिक पर, कॉटन यार्न के ऊपर या कॉटन वार्प शीट पर हम स्टार्च की लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है। और ये स्टार्च की लेयर हम क्यों चढ़ाते हैं, ताकि नंबर फर्स्ट वार्प शीट स्मूथ हो सके। तो जहां पर हिल्ड होती है, हिल्ड हिल्ड पर हिल्ड के अप डाउन से यार्न उलझे नहीं फर्स्ट, ठीक है। और सेकंड वार्प स्ट्रॉन्ग हो तो टूटे नहीं, ठीक है। मीन्स वीविंग या वीवेबिलिटी अच्छी हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, साइजिंग करते हैं। वीविंग हो गई, फैब्रिक लूम से उतर गया है, उसके बाद में उसका नेक्स्ट प्रोसेस करना होता है। और उस नेक्स्ट प्रोसेस के लिए फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट होती है जो फैब्रिक है वो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर सके, क्यों, हमारे जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो सभी ट्रीटमेंट्स हाइड्रोफिलिक हैं, मीन्स वाटर से रिलेटेड है, एक्वस मीडिया में होने वाले हैं, ठीक है। तो एक्वस मीडिया में जब ट्रीटमेंट होंगे तो इससे एक्वस मीडिया में ट्रीटमेंट होंगे तो इससे इसका मतलब है कि फैब्रिक में वाटर अच्छी तरह से पेनिट्रेट होना चाहिए, ठीक है। तो जबकि जो साइज मटेरियल है, साइज मटेरियल का जो नेचर है वो क्या है कि फैब्रिक में वाटर को पेनिट्रेट नहीं होने देता। तो इसके लिए हम डिसाइजिंग करते हैं। डिसाइजिंग मीन्स डी साइजिंग मीन साइज को रिमूव करना, मीन्स कॉटन फैब्रिक से साइज को रिमूव करना, दैट इट मीन्स डिसाइजिंग। तो इसमें स्टार्च मटेरियल जो होता है वो इनसोल्युबल होता है, मींस इनसोल्युबल डेक्सट्रिन होता है, उसको हम साइज्ड स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं, या साइज्ड मटेरियल में, या सॉल्युबल मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसको हम रिमूव करते हैं। दो तरह के हमारे पास डिसाइजिंग होती है, फर्स्ट हाइड्रोलाइटिक डिसाइजिंग, तो इसमें इनसोल्युबल स्टार्च जो है वो सोल्यूबल स्टार्च में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले स्टार्च इनसोल्युबल, देन डेक्सट्रिन सोल्यूबल, देन माल्टोस, अल्फा ग्लूकोज, और फाइनली इट इज ड्रेन आउट। हाइड्रोलाइटिक डिसाइजिंग तीन तरह की होती है। फर्स्ट हमारे रोट स्ट्रिपिंग होती है। रोट स्ट्रिपिंग में क्या है कि रोट का मतलब होता है सड़ाना, ठीक है। जो साइज मटेरियल फैब्रिक पर मौजूद है, हम उस साइज मटेरियल को वेट करके या गीला करके रख देते हैं, तो एटमॉस्फेयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रोड्यूस होंगे, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे इसको जो इनसोल्युबल स्टार्च है उस स्टार्च को खाएंगे, क्यों, ये उनका भोजन होता है, ठीक है। और इसको सोल्यूबल स्टार्च में कन्वर्ट कर देंगे, और इसको फैब्रिक से निकालने में आसानी रहेगी। तो जनरली इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, फैब्रिक को सिंपल वाटर में डिप करके, और नॉर्मल टेम्परेचर इसका थोड़ा 35 टू
40 डिग्री तक रखते हैं तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होने का सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है, ठीक है। और फैब्रिक को इस टेम्परेचर पर 5-10 मिनट डिप करके उसके बाद में निकाल के रात भर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, वो इस फैब्रिक को फैब्रिक से साइज को खा जाते हैं और इसको इसकी डिसाइजिंग इसी तरह से हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके एसिड स्ट्रिपिंग। एसिड स्ट्रिपिंग ये थोड़ा फास्ट मेथड है, इसमें HCl एसिड हम यूज लेते हैं या फिर सल्फ्यूरिक एसिड यूज लेते हैं। ये होता है आपके 0.25% का फैट बाई वॉल्यूम, ठीक, मतलब 0.25 ग्राम तोल के और उसके अंदर उसको 100 cc वाटर में डिसोल्व करते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर रखते हैं 30 डिग्री सेल्सियस और इस पर हम 4-6 घंटे तक इसको ट्रीट करते हैं, फैब्रिक की इसमें डिसाइजिंग हो जाती है, ठीक है। ये आपका टू बाउल मेथड है, ये फैब्रिक है, इस फैब्रिक को ये डिसाइजिंग सॉल्यूशन है, डिसाइजिंग सॉल्यूशन में हम इसको डिप करते हैं और डिप करने के बाद में इसको आगे रोलर से पास करते हैं ताकि यहाँ पर ये स्क्वीज हो जाता है, ठीक है। ये रोलर एबोनाइट का है और ये रबर रोलर है, ये टू बाउल पैडिंग मंगल है। नेक्स्ट सर, ये रोलर किस किस के, रबर और ये रबर का है और ये एबोनाइट, एक्चुअली दोनों ही लोहे के रोलर है होने को, लेकिन इसको रबर से आपके कवर किया है और इसको हार्ड एबोनाइट से कवर किया हुआ है, ठीक है। ओके सर। सर रोट का मतलब क्या बताया था आपने अभी? रोट का मतलब है सड़ाना, किसी चीज में फंगी हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं तो सड़ जाती है, तो वो उसको बोलते हैं रोट सड़ाना, ठीक है। ये टू बाउल पैडिंग मैंगल, ये नेक्स्ट है आपके थ्री बाउल पैडिंग मैंगल। दोनों में से कोई सा भी एसिड डिसाइजिंग और रोट स्ट्रिपिंग दोनों के लिए कोई भी मेथड हम यूज ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपके एंजाइमेटिक और एंजाइम डिसाइजिंग। तो इसके लिए स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो अमाइलोस, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं, ये बायोकैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की रेट को इम्प्रूव करते हैं या बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि रोट स्ट्रिपिंग में देखा, रोट स्ट्रिपिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट होने में काफी टाइम लगता है, लेकिन एंजाइम डिसाइजिंग में अगर एंजाइम के सॉल्यूशन के साथ में फैब्रिक को ट्रीट करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुरंत प्रोड्यूस होते हैं और फिर वो डिसाइजिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स मौजूद हैं, ये आप देख रहे हैं इसमें। ये पैनक्रियाटिक एंजाइम जो इसमें आमाशय में मिलते हैं वो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, माल्ट एंजाइम है और बैक्टीरियल, तीनों के साथ में अलग अलग कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो इसमें दी हुई है। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स में 1-3% कंसंट्रेशन लेते हैं, ये कंसंट्रेशन परसेंट, ठीक है। ये और इसमें टाइम 2 घंटे देते हैं, साथ में टेम्परेचर 35 डिग्री से 55 डिग्री होता है। देखिए कम टेम्परेचर दे दो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने ज्यादा टेम्परेचर इसमें दे दिया तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये एंजाइम जो है वो वर्क नहीं करते, क्यों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट होते हैं वो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे इसमें पीएच 6.8-7 इसमें रखते हैं और इसमें साल्ट, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए तीनों ही एंजाइम में साल्ट यूज लेते हैं, साल्ट है ना NaCl, और मेटल टू लिक्विड रेशियो 1:30 रखते हैं,
बाकी कंडीशंस ये इसमें आपके दी हुई है, ठीक है। फाइनली फैब्रिक को हॉट वॉश देते हैं, फिर उसके बाद में कोल्ड वॉश देते हैं और उसको सुखा लेते हैं फैब्रिक को, ठीक है। नाउ ऑक्सीडेटिव डिसाइजिंग, अभी टाइम है क्या स्टूडेंट्स? हेलो, नो सर, खत्म होने में नो सर, टाइम खत्म हो गया था। आगे सर, आगे। ओके, अटेंडेंस दीजिए। मैं याद ऑक्सीडेटिव डिसाइजिंग कल बताएंगे, कल का टाइम याद है आपको कितना है? 10 से 11 बजे तक मैंने व्हाट्सएप पे डाला हुआ है, आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा, मैंने दो वीडियो डाले हैं व्हाट्सएप पे, वो देखे आप लोगों ने? हाँ सर, तो मैंने व्हाट्सएप पर, ओके ओके, व्हाट्सएप पर दो वीडियो डाले हैं, आप उनको देखिएगा और अपने कमेंट्स डालिएगा व्हाट्सएप पर कि वहां पर कुछ कमी हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बताइए, ताकि मैं आपको दोबारा वीडियो बना के इसमें सेंड कर सकूं। इसमें डिसाइजिंग और स्कवरिंग प्रोसेस जो है कॉटन का, सर वो इसमें कंप्लीट किया हुआ है, क्लियर? ओके, यस सर, कल 10 बजे क्लास लेंगे फिर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर।